हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेली क्राफ्ट आयशा खानम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आप सभी के लिए आई हूं कटोरी चाट की रेसिपी, जो बहुत ही ज़्यादा यूनिक रेसिपी है। आज इस चाट को बनाने वाले हैं हम कटोरी में। बच्चों को ये चाट बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। बच्चों को चाहिए होता है कि कुछ तो कुछ नई नई चीज़ें ट्राई की जाएँ घर में। तो आज हम बनाने वाले हैं कटोरी चाट। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो को शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो कटोरी चाट बनाने के लिए मैंने लिया एक बाउल, जिसके अंदर डाल दूंगी मैं मैदा। यहाँ पर मैं 2 कप मैदा यूज करूंगी और इसके अंदर डालूंगी थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा जाएगा इसके अंदर तेल। यहाँ पे मैं रिफाइंड ऑयल यूज कर रही हूँ, आप चाहे घी का भी यूज कर सकते हैं। सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर देंगे हम और अपने हाथों से आप इसका अच्छा सा डो बनाकर तैयार करेंगे। तो आप इसे मैदे को एक बार अपने हाथ में मुट्ठी में लेकर ऐसे देख लें, अगर उसका वो टाइट सा बन रहा है डो, तो इसका मतलब आपका आटा काफ़ी अच्छे से तैयार हो चुका है। तो आप डालेंगे इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी और इस आटे को अच्छे से गूंद लेंगे हम। डो बनाकर मैंने तैयार कर लिया है, मैं इसे 25 से 30 मिनट के लिए साइड में रख दूंगी रेस्ट करने के लिए। तो 25 मिनट मैंने इसे डो को रेस्ट करने के लिए रखा है। अब मैंने डाला एक चकले पर थोड़ा सा सूखा मैदा और अब इस मैदे से हम इसका एक परांठा टाइप बना लेंगे और अब कटोरी से इसको कटोरी वाली शेप दे देंगे। इसके साइड के किनारे जो थे मैंने कट कर दिए हैं, सिर्फ नीचे वाला पार्ट जो था उसी को हम फ्राई करेंगे। गैस की फ्लेम को मैंने मीडियम रखा है और आप देखेंगे कि कटोरी हमने साइड से निकाल ली थी और हमारी ये जो मैदे की कटोरी है वो बनकर तैयार हो चुकी है। इस तरीके से मैंने सारी अपनी कटोरियाँ बनाकर तैयार कर ली हैं। इसमें डालेंगे मैं ये बॉयल्ड चने, चनों को मैंने पहले से उबाल कर रखा था, और जाएंगे इसके अंदर ये बॉयल्ड पोटैटोज यानी उबला आलू, थोड़ा सा डाल दूँ इसके अंदर सेब, चाट में फ्रूट्स भी अच्छे लगते हैं, और इसके ऊपर जाएगी चटनी। यहाँ पर डालूँ मीठी चटनी यानी रेड सॉस, थोड़ी सी जाएगी ग्रीन चटनी यानी हरी चटनी, खट्टी चटनी, थोड़ा सा डाल दूंगी इसके ऊपर दही और थोड़ा सा जाएगा इसके ऊपर लाल मिर्च पाउडर। इससे हमारी चाट थोड़ी सी तीखी हो जाएगी और उसके ऊपर जाएगी हमारी ये मोटी वाली नमकीन, कुछ लोग इसे सेव भी बोलते हैं। और थोड़ी सी डाल देंगे उसके ऊपर जीरो सेव यानी एकदम बारीक नमकीन। लच्छेदार काटा है मैंने ये चुकंदर, अब इस पे डाल देंगे। ये हमारे चाट को थोड़ा सा कलरफुल बनाएगा। और हरा धनिया लगाकर अपनी चाट को करते हैं रेडी। तो हमारी चाट कटोरी बनकर तैयार है। कैसी लगी आपको मेरी वीडियो, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू।